483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनके अंतिम कार्य के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवी को भी मिला था, जिस पर उन्होंने स्तूप का निर्माण किया। बुद्ध के बाकी अवशेषों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने एक स्तूप को छोड़ के सभी स्तूपों में से बुद्ध के अवशेष निकलवाए थे। उसमें से प्राप्त अवशेषों को बराबर भागों में बांटकर करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जिस एक स्तूप में अवशेष छोड़े थे वो वैशाली के खुदाई में प्राप्त हुआ और बाद में उसे पटना संग्रहालय में रखा गया। इस जगह स्तूप का निर्माण वैशाली के लिच्छवी द्वारा किया गया था। पटना संग्रहालय में रखे तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष सबसे बेशकीमती संपत्ति में से एक है। पवित्र अवशेष वैशाली जिले में बनया गांव में बने एक स्तूप से प्राप्त हुए थे, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा 1958 से 1961 में किए गए एक खुदाई अभियान के दौरान प्राप्त किए गए थे। यह एक सफेद पात्र में रखे गए थे जो भगवान बुद्ध की राख से एक तिहाई भरा है। इसके साथ कुछ और सामान भी वहाँ मौजूद है, जैसे एक टूटे हुए कांच के मोती, तांबा पंचमार्षिक के शंख और सोने की एक छोटी पत्ती आदि सामान। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही इस विषय में आपके पास और जानकारी हो तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें।